कहते हैं राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, आज कोई और तो कल कोई और, हमेशा पार्टियों की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। महारानी दिया कुमारी को बीजेपी में राजस्थान चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देने की अटकलें तमाम लगाई जा रही हैं, पर पीएम मोदी की सभा का संचालन करके अब वो लाइमलाइट में आ गई हैं। राजस्थान में ऐसी क्या चीज़ है जो उनके फेवर में जा सकती है, और इन चुनाव से पहले उन्हें वसुंधरा राजे का विकल्प बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के सितारे गर्दिश में हैं। कुछ दिनों के घटनाक्रम ये इशारा कर रहे हैं कि महारानी का राजनीतिक खेल अब खत्म हो चुका है, पार्टी उनकी जगह नया नेतृत्व तैयार करने के मूड में आ चुकी है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जिस तरह प्रदेश की दो महिलाओं को तवज्जो दिया गया और वसुंधरा राजे को बैकफुट पे रखा गया, या वसुंधरा के लिए इशारा नहीं था लेकिन वसुंधरा को साइडलाइन करके दिया कुमारी को महत्व दिया गया, तो क्या दिया कुमारी की राजस्थान में राजनीति ताकत बढ़ गई है? दिसंबर 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह दिया कुमारी और उनकी मां पद्मिनी देवी के जयपुर आवास पर पहुंचे थे, तभी से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि महारानी का भविष्य अब पार्टी में उज्ज्वल दिख रहा है। लेकिन बुधवार को पीएम मोदी की सभा में जिस तरह महारानी दिया कुमारी को तवज्जो दी गई, इन अटकलों को और हवा मिल गई। हालांकि ऐसी संभावनाएं मीडिया में राजनीतिक विश्लेषक पहले से भी लगा रहे हैं, अब बस उन पर मोहर लगने का इंतजार है। सवाल यह है कि क्या पार्टी दिया कुमारी पर दांव लगाएगी? आनंद पाल प्रकरण में राजपूतों की नाराजगी की वजह से पिछला विधानसभा चुनाव मामूली वोटों के अंतर से बीजेपी हार गई थी, यही वजह है कि बीजेपी अब यह गलती दोबारा नहीं करना चाहती। राजपूत वोट बैंक को फिर से मजबूत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी राजेंद्र सिंह राठौर को बैठाकर बीजेपी ने राजपूतों को पहले ही संदेश दे दिया था, और वसुंधरा से किनारा करने के बाद बीजेपी अब राजस्थान में पार्टी के संस्थापक कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत की विरासत को फिर से जिंदा करने में लग गई है। दरअसल राजस्थान में राजपूत तकरीबन 14% है, 60 विधानसभाओं पर इन सीटों पर इनका असर है। यूं तो बीजेपी के पास कई राजपूत नेता हैं राज्य में, जिनकी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर आदि हैं, परंतु दिया कुमारी की बात सबसे अलग है। महारानी गायत्री देवी की विरासत भी उनके पास ही है, इसलिए बीजेपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर राजपूतों को साधने के लिए एक संदेश दे सकती है। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार के लिए दिया कुमारी को उतार कर राजपूतों को लुभाने का संदेश पार्टी ने पहले ही दे दिया था, और वह बीजेपी नेताओं की इकलौती महिला नेता है जिन्हें हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में उतारा गया था। हालांकि अगर बीजेपी महारानी दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट बनाती है तो यह एक महारानी की जगह दूसरी महारानी जैसा ही होगा। अगर वसुंधरा राजे को महारानी के नाम से बुलाया जाता है तो दिया कुमार तो महारानी है ही, और दोनों राजपूत हैं, दोनों के परंपरागत वोटर हैं, इसलिए बीजेपी आश्वस्त है कि वसुंधरा अगर नाराज भी हो जाती हैं तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, दोनों की सियासी अदावत किसी से छिपे नहीं है। हालांकि दिया कुमारी को वसुंधरा राजे ने ही राजनीति में एंट्री कराई थी।